Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो देखो, लेट दिस फंक्शन बी जी एक्स, इसको हमने जी एक्स ले लिया, तो जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, तो जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब एक्स जीरो से छोटा होगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, और जी एक्स इक्वल टू जीरो होगा जब एक्स जीरो के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एच ऑफ जीरो, बिकॉज ये आपका डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जब एक्स जीरो से छोटा है तो यहाँ पर एच एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जी एक्स रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको एच एक्स लिया था, लेकिन अब हमने इसको क्या लिया है, जी एक्स, तो ये आपका जी आ जाएगा। और जब एक्स जीरो से बड़ा है तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, और जी ऑफ जीरो आपका जीरो ही होगा। तो ये माइनस एक्स हो गया, जीरो पुट करोगे माइनस जीरो जीरो ही होता है, ये भी जीरो जीरो, इसका मतलब जी एक्स जो हमारा कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं एच एक्स, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। अगेन एक्स प्लस वन का क्रिटिकल पॉइंट, अगर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच एक्स है इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन होगी व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में वैल्यूएशन होता है, जैसे यहाँ पे जीरो था तो जीरो, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, और जब एक्स माइनस वन के इक्वल होगा, जब x माइनस वन के इक्वल होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगेन डबल डेफिनेशन क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, h ऑफ x। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, h ऑफ x, और यहाँ आपका आ जाएगा नॉट एफ ऑफ माइनस वन एच ऑफ माइनस वन, यहाँ आ जाएगा एच ऑफ माइनस वन। अब देखो, जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू का माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन प्लस, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या, एक्स प्लस वन है, और एच ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब मैं यहाँ माइनस वन पुट करता हूँ, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और माइनस ऑफ जीरो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ भी माइनस वन पुट करोगे माइनस वन प्लस वन, ये भी जीरो ये भी जीरो, सब इक्वल आ रहा है। देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूअस, एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जी एक्स भी कंटिन्यूअस है और एच एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है और एच एक्स भी कंटिन्यूअस है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है, राइट। जी एक्स माइनस एच एक्स, कैन आई से दैट जी एक्स माइनस एच एक्स, ये जी एक्स है और ये एच एक्स है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या आप एग्री करते हो, जी एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, बिकॉज जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर जी एक्स माइनस एच एक्स, जी एक्स माइनस एच एक्स विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। भाई अगर दो डिफरेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो जो उनका डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, और जी एक्स माइनस एच एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स, इट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल,
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.